लोकी सीजन टू। तो भाई इससे भाई बस मुझे ये उम्मीद दिखी है कि हाँ भाई मार्वल अपने पुराने वाला रंग में आ सकता है, क्योंकि भाई इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी कम नहीं हुई है पहले की तरह। ये पहले भी अच्छा शो था और भाई अभी भी इसने अपनी क्वालिटी मेंटेन की हुई, बाकी शोज की तरह भाई इसने मार्वल के अपना मुंह काला नहीं कराया। तो भाई सीजन टू का भाई हमें फर्स्ट एपिसोड देखने को मिला, इसमें भाई हमें एक्समैन का एक ईस्टर एग भी देखने को मिलता है वो गेट वाले सीन पे। बट भाई इसमें हमें वही चीज़ वही क्वालिटी फील होती है कि भाई हमने जैसा मार्वल स्टार्ट किया था, जिसमें हम स्टैंड करते हैं भाई हमारे मून नाइट, लोकी और हमारे कैप्टन अमेरिका एंड विंटर सोल्जर को। इन शोज के अलावा भाई जितने भी मार्वल ने शो बनाया भाई सब ने अपनी नाक ही कटवाई है। हमें भाई जितने भी शोज ने अभी तक हमें डिसअपॉइंट किया था उनमें से भाई लोकी सीजन टू का एपिसोड भाई इस तरीके से निकल के आता है कि हाँ भाई हमें उम्मीद मिलती है कि हाँ शायद भाई अभी उम्मीद जिंदा रखना जरूरी है, क्योंकि भाई मार्वल अपने वापस उसी रंग में आ सकता है। और भाई इस शो में भाई बताऊँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा ग्रिपिंग स्टोरी लगी मुझे, और भाई इसकी स्टार्टिंग से ही भाई हमें वो चीज़ स्टैब्लिश कर दी जाती है और एक एक चीज़ को बड़े प्यार से दिखाया जाता है। एंड लोकी सीरीज का इफेक्ट भाई इसके आने वाले कई सारी स्टोरी लाइन्स में दिखने वाला है हमें, जैसे कि हमारे फंटास्टिक फोर और हमारी सीक्रेट वॉर्स टाइप इवेंट्स, जिनमें कि भाई हमारी लोकी की सीरीज भाई डायरेक्टली इसकी कहानी उसमें इंटरफेयर करेगी। और भाई इसलिए ये शो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि भाई ये पूरी मल्टीवर्स सागा को शेप देने वाला है। भाई हमारे टॉम हिडलसन साहब भाई इसमें यार बंदा, मैं बस यार देखो आज भी वो हरामपंथी मिस करता हूँ टॉम हिडलसन के फेस पे, जो कि भाई एज लोकी उसके चेहरे पे दिखती थी। हाँ बेशक चलो अभी वो इसका हीरो है, बट भाई मैं उसमें वो नॉटीनेस भी देखना चाहता हूँ विलन वाली, तो ही भाई मुझे लगेगा कि हाँ ये अपना वही लोकी है। एज प्रॉपरली हीरो मैं भाई लोकी को या अपने टॉम हिडलसन को उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर सकता, बट हाँ भाई ये शो काफ़ी ज़्यादा शानदार लगने वाला है। और भाई इसमें हमें भाई कैंग द कॉन्करर के भी कई सारे ऑडियो सुनने को मिलते हैं, और भाई जो कि फ्यूचर को इसके एस्टैब्लिश करते हैं। और इस सीजन के भाई फर्स्ट एपिसोड थे, देखो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई है कि भाई हाँ शायद हमारा जोनाथन मेजर्स भाई अभी रहने वाले हैं। उम्मीद तो है कि भाई एंड में जाकर इसको चेंज ना करें, क्योंकि भाई सीजन टू पे भाई रूमर्स उड़े थे कि भाई इसकी एंडिंग जो है वो दो दो शूट की गई हैं। अब उनमें से पता नहीं एक में शायद जोनाथन मेजर्स को रखा गया और एक में नहीं रखा गया। अगर उनके केस की हियरिंग आ जाती है और उनको गिल्टी करार दिया जाता है तो भाई हमें शायद वो एंडिंग देखने को मिलेगी, जिसमें भाई हमारे जोनाथन मेजर्स को एज कैंग रिप्लेस कर दिया गया है। बट उम्मीद करो कि भाई ऐसा ना हो, क्योंकि भाई वो बंदा कैंग के रोल में भाई बहुत परफेक्ट लगा है, क्योंकि भाई सीज़न वन की और भाई सारे ही अब तक जितने विलन्स थे उनमें भाई अपनी हाईलाइट वो एकदम से लोकी के सीज़न वन में एंड में खींच के ले गया था भाई बंदे की परफॉर्मेंस, जिसकी वजह से भाई हमारे मार्वल ने भी पूरी अपनी मल्टीवर्स सागा को भाई हमारे कैंग के ऊपर ही मॉडल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि भाई पब्लिक को कैरेक्टर इतना ज़्यादा पसंद आया था। तो भाई उम्मीद है कि शायद यार इसके एंड में ऐसा कुछ ना हो, हमें वही एंडिंग देखने के लिए मिले जिसमें हमारा जोनाथन मेजर्स एज कैंग एग्जिस्ट करता है। तो तुम्हें ये शो कैसा लगा अभी तक, तुम्हें इसका फर्स्ट एपिसोड कैसा लगा और लोकी से तुम्हारी आगे क्या क्या एक्सपेक्टेशन है तुम मुझे कमेंट्स में बताओ। और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और मुझसे डायरेक्ट बात करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। You're still here. It's over. Go home.